अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा फ़ातिमा ने इनकशाफ किया है कि उन्हें एक भारतीय फिल्म की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। बरतानवी खबर इदारे को दिए गए इंटरव्यू में फ़ातिमा ने बताया कि उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी और इनसे बॉलीवुड के मरूफ डायरेक्टर ने राब्ता किया है, लेकिन फिर भी ये बात निकल कर मीडिया तक पहुँच गई। अदाकारा ने बताया, जब मारूफ डायरेक्टर अनीस बज़मी की एक फिल्म थी जिसके लिए मुझसे राब्ता किया गया, कुछ साल कबल मुझे एक फ़ोन कॉल आई जिसमें कहा गया कि इस तरह भारत में मेरा इंटरव्यू है और एक फिल्म है जो आप करना पसंद करेंगी। फातिमा ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया था और इनको वाजा कर दिया था कि मैंने अपने काम के लिए कुछ हदूद तय की हुई हैं, इनसे बाहर जाकर मैं काम कर नहीं सकती। अदाकारा ने कहा, फिल्मों में काम के कुछ तकाजे होते हैं, वहाँ जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है, कुछ ऐसे सीन अक्स बंद कराने होते हैं जो मैं नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने काम में खुश हूँ। वाजह रहे कि फातिमा पाकिस्तानी टेलीविज़न की साबका न्यूज़ एंकर और मकबूल अदाकारा फौजिया मुश्ताक की बेटी हैं।